रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के सकुल निवासी राम प्रसाद साहू की हत्या कर शव वाल्मीकि नगर की कच्ची सड़कों पर पड़ा मिला है। गांव वालों ने सुबह मृत पड़े राम प्रसाद को देख उनके परिजन व थाना को सूचना दी। बताया जाता है कि सोमवार को राम प्रसाद साहू रांची गए हुए थे। शाम 5 बजे तक परिजन द्वारा उनसे फोन पर बात हुई। राम प्रसाद साहू जमीन की खरीद बिक्री का काम करते थे। राम प्रसाद के पास फोन व उसकी अपाचे मोटरसाइकिल मौके से गायब है। पतरातू थाना प्रभारी आरपी सिंह ने कहा कि शरीर में चाकू और माथा में भी चोट के निशान पाए गए। फिलहाल पूरे मामले पर तफ्तीश जारी है। अभी करीब 7:30 बजे सुबह में मुझे सूचना मिली कि चाकू गुलाम के राम प्रसाद साहू की हत्या किसी व्यक्ति के द्वारा वाल्मीकि नगर जो नया कॉलोनी बनना है उसमें कर दी गई है। इस सूचना पर हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि जो नया बस्ती वाल्मीकि नगर बस रहा है उसी में इनका बॉडी पड़ा हुआ था। देखने से लग रहा है कि शरीर में सिर में कुछ चोट है और सीना में चाकू का निशान लग रहा है। सर इनके पास गाड़ी थी? हाँ गाड़ी थी। गाड़ी का तो पता अभी नहीं चल पाया है। गाड़ी की खोजबीन जारी है और